पिछली ऑडियो में मैंने आपके साथ 9 प्रकार की भक्ति के ऊपर चर्चा की थी और उसमें मैंने कहा था कि मैं अलग से जो 3 प्रकार की भक्ति है उसके ऊपर आपको एक ऑडियो दूंगा। और जो 3 प्रकार की भक्ति है उसमें जो सबसे पहले है वो है पाठ पठन, यानी पढ़ना, जिसको हम लोग वाचना कहते हैं। और दूसरा है परमात्मा के काल्पनिक और क्रियात्मक नाम का स्मरण, यानी याद करना, जिसको हम लोग सरल शब्दों में स्मरण कहते हैं या जाप कहते हैं, जप करना परमात्मा के नाम का, जो कि उसका वास्तविक नाम नहीं है, काल्पनिक नाम है। और तीसरी जो भक्ति है वो परमात्मा के वास्तविक नाम में समाना है। ये 3 प्रकार की भक्ति जो मैंने विशेष आज के प्रसंग के लिए चुनी है, वो जो पहली भक्ति है जिसको हम लोग पाठ करना कहते हैं, वो करीब करीब जो भी रूहानियत की यात्रा करने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, गुरु को मानते हैं, संत को मानते हैं, वो पाठ करते हैं। पाठ करने में क्या आता है, जैसे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जपजी साहब है, सुखमणि साहब है और आनंद साहब है, कीर्तन 16 है, रहरास है, ये वाणी है जिसका नित्य नेम के रूप में जो है वो पाठ किया जाता है। और जो सनातन धर्म वाले हैं, यानी कि प्राचीन धर्मों वाले हैं, वो गीता का पाठ करते हैं या वेदों का पाठ करते हैं। जो अलग अलग जो पंडित लोग हैं उनमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं। कुछ उसमें वेद का पाठ करने वाले हैं, यानी कि जो एक वेद का पाठ करता है वो वेदी है, जो 2 वेद का पाठ करता है वो द्विवेदी है, जो 3 वेद का पाठ करता है वो त्रिवेदी है, और जो 4 वेदों का पाठ करने वाला है उसको चतुर्वेदी कहते हैं, वो वेद का पाठ करते हैं। और कुछ जो धनुषधारी दशरथ नंदन राम को अपना इष्ट मानते हैं वो रामायण का पाठ करते हैं, रामायण की चौपाई का पाठ करते हैं। और साथ में कुछ ऐसे हैं जो बजरंग बली को मानते हैं वो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन आदि इनका जो है ना वो पाठ करते हैं। ऐसे ही जो आदिशक्ति भवानी के 9 रूप हैं उनके अलग अलग जो है ना वो शब्द हैं, लोग उनका पाठ करते हैं, ये पाठ करना कहते हैं। और पाठ करने में जो लगन में खो जाता है, जो तन को भूल के मन से जो पाठ करता है, उसके ऊपर भी परमेश्वर के अंधर दरबार से कोई ना कोई जो है वो सिद्धि विशेष की कृपा हो जाती है। और दूसरा मैंने कहा था काल्पनिक नाम, ये थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम रखने वाला तो था नहीं, और जिसको जैसे लगा उसने वैसा ही उस परमात्मा का नाम जो है ना वो अपने अनुभव से रख लिया। जैसे जो लोग परमात्मा को जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, हर जगह पे रमा हुआ मानते हैं, जो निराकार भक्ति में है वो रमा हुआ परमात्मा को मान के राम राम का जाप करते हैं, और जो लोग ब्रह्मांड के स्वामी को मानते हैं उन्होंने वो ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में जो है ना वो नाम दे दिया। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि सबसे जो दृढ़ है, मजबूत है, वो शिव है। शिव और शंकर में थोड़ा अंतर है, जो शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं,
ये देवता हैं, लेकिन जो शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनके ऊपर जो माना गया है परम आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जो हैं वो अपने अपने अनुभव से जो नाम रख दिए। फिर मैंने कहा था कि क्रियात्मक के परमेश्वर ने क्या किया है, उसने संकटों का हरण किया है, तो उसको हरि कहा गया है। और जैसे कृष्ण भगवान हुए हैं, उन्होंने अपना नारायणी रूप दिखाया है, तो काफ़ी लोग जो हैं परमात्मा को वो कृष्ण के नाम से भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने राक्षसों का हनन किया था, वध किया था, मुर राक्षस का हद किया, तो उस कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं, उसके नाम का भी जो है ना वो स्मरण करते हैं। ऐसे ही और बहुत से जो अनुभवी सिद्ध ऋषि हुए हैं, उन्होंने परमात्मा को याद करने के लिए जो है वो अपने अपने मन से उसको नाम दिया, उसी नाम से संबोधन किया और खुद जाप किया, और उसी नाम का अपने जो है वो मुरीद यानी चेलों को भी कहा कि इस नाम का आप जप कीजिए। और जो तीसरा मैंने कहा है कि परमात्मा का वास्तविक नाम उसमें समाना, ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि परमात्मा का वास्तविक नाम उसको शब्द कहते हैं, उसको नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं। अब वो धनात्मक शब्द है, ग्रंथों में उसको नाम भी कहा गया है, शब्द भी कहा गया है, धुन भी कहा गया है, गूंज भी कहा गया है। वो जो है वो अंतर में पैदा होती है, लेकिन पैदा वो पाठ से या स्मरण से ही होती है। जो लोग पाठ करते हैं उनके अंतर में भी वो धनात्मक शब्द पैदा होता है, और जो लोग परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं उनके अंतर में भी वो धन जो है ना वो पैदा होती है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मरण का और या पाठ का एक सीमाबंद कोटा है, जिसको हम सरल भाषा में कहें, उसके पूरे होने पे अंतर से जो स्मरण है या पाठ है वो होने लगता है। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि आप जब चलते हैं तो आपके अंदर से गुरबाणी का कोई शब्द चलने लगता है, कोई भजन चलने लगता है, कोई और ऐसी जो गा के भक्ति के रूप में की जाती है वो कोई लाइन चलने लग जाती है। तो इससे जो है ना वो हमारा मन जो है वो चेतन होता है और सिमरन में लगता है, और उस अवस्था को अजपा जब कहते हैं। हम कर नहीं रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम जाप करें, लेकिन अंतर में जो जाप हो रहा है उसको अजपा जप कर रहे हैं कि ना जपते हुए भी जप हो रहा। और अजपा जप है उससे जो है ना वो धुन प्रकट होती है। सबसे पहले जो कानों में जो है ना वो सादी सांसा की आवाज़ आती है। कुछ लोग उसको वहम मानते हैं और कुछ लोग उसको जो है ना वही बीमारी मानते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास तो उसका समाधान है नहीं। वो तो परमात्मा के वास्तविक नाम के खुलने की एक निशानी है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब हम लोग रेडियो ऑन किया करते थे, जैसे 6 बजे रेडियो का टाइम है ऑन करने का, तो हम 5 मिनट उसके पहले करते थे, तो उसमें भी ऐसी ही एक गूंज सुनाई देती थी। उसके बाद फिर जो है ना वो काम चलता था, संगीत चलता था, आवाज़ चलती थी। तो ये जो धुन है ये परमात्मा से आती है। मैंने इसलिए इसको परमात्मा का वास्तविक नाम कहा है कि संतों महापुरुषों ने इसी नाम के ऊपर बल दिया है। गुरबाणी में आता है एक शब्द, एक शब्द के मायने यह है कि वो शब्द, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वो जो मेरे प्राणों में एक शब्द बस रहा है, तो वो जो प्राणों में बस गया शब्द जिससे फिर जन्म मरण खत्म हो जाते हैं, वो पूरी जो तुक है वो ये है कि मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आवा। यानी जन्म मरण से छूट जाता है उस धुन में जब वो
लीन होके उस धुन में, उस परमात्मा की मैग्नेटिक पावर में, जो आत्मा को परमात्मा की तरफ खींच के ले जाती है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड अपने अपने ठिकाने पे है, अपने अपने सब सिस्टम से जो चल रहा है वो परमात्मा की चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, वो गूंज है। आप कहीं भी खालिस्तान पे जाइए, गुफा में जाइए, जंगल में जाइए, जहाँ शांति हो वहाँ जाइए, तो आपको एक गूंज सुनाई देती है। अब वो परमात्मा से हमारी आत्मा तक आती है, वो एक उसको खींच के ऊपर ले जाती है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये जो गूंज है, जब ये चलती है तो तब स्मरण करना है कि छोड़ देना है, तो ध्यान कहाँ लगाना है? तो मैंने अपनी ऑडियोज में पहले भी समझाया है कि ना आपको ध्यान लगाना है, ना आपको समाधि लगानी है, अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, आपको केवल साक्षी या दृष्टा बनना है, यानी जो हो रहा है उसको देखना है। गूंज आपकी प्रकट हो गई, शुरू हो गई, चाहे सांसा की आवाज़ है, आपने उसको सुनना है। जब आप उसमें उसको सुनेंगे तो आप उसमें लीन हो जाएंगे। लीन होने का मतलब है कि आपका जो है ना वो उससे परिपक्वता वाला नाता हो गया, यानी कि ध्यान आपका उसमें चला गया। हम लोगों ने कोई चीज़ सुननी हो तो अपनी मुंह को बंद करके और कानों पे जोर दे के सुनते हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, यानी कि उसको हम लोग ध्यान कहते हैं। और ध्यान उसमें जब चला गया, ध्यान चला गया तो हमारी जो स्वर्त है, जो सुनने की शक्ति है, वो उसमें लीन हो गई। जब सुनने की शक्ति उसमें लीन हो गई तो अपने आप जो है हमारा संबंध उस नाद के साथ जुड़ गया। संबंध जुड़ने का मतलब होता है कि हम उसके संबंधी हो गए, हम उसके साथ बंध गए, तो इसी को समाधि कहते हैं। ये जो तीन मैंने आप जी के साथ भक्ति के प्रारूप कहे हैं, इनमें मेरा अपना अनुभव जो है ना वो ज़्यादा शामिल है, क्योंकि मैंने इसी रास्ते से परमात्मा की कृपा पाई है और मैंने यही रास्ता अपने मिलने वाले मित्रों को या साधकों को बताया है और उनको बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त हुई है। वो मस्ती में रहते हैं, मन उनका टिकाऊ रहता है, तो आगे तो परमात्मा की कृपा जो है ना वो अपने आप होती रहती है। ऐसे ही मैं आप जी की सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। दाता भला करें।